हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम सिनोनिम्स को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपने पार्ट वन एंड पार्ट टू देख लिया, उसमें हम 100 सिनोनिम्स डिस्कस कर चुके हैं। एंड एक इडियम्स एंड फ्रेजेस की वीडियो भी थी जिसमें हमने ऑलरेडी 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी डिस्कस कर लिया है। एंड आपकी काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड है, सो इसीलिए हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें एंड सिनोनिम्स को हम पूरा करके छोड़ेंगे। एंड उसके बाद एंटोनिम्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी कंप्लीट कर देंगे। एंड अगर आप चाहते हो कि वर्ड मीनिंग्स वाली वीडियो भी आए, और अगर आप चाहते हो कि हम थोड़े और PYQs को सॉल्व करें, वैसे चैनल पर अपलोडेड है PYQs की वीडियोस, तो वो पर आप देख सकते हो। आपकी प्लेलिस्ट कमेंट सेक्शन में भी पिंड होगी एंड ऊपर आई बटन पर भी आ जाएगी, सो यू कैन वॉच दैट। अदरवाइज अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? फटाफट से हम नेक्स्ट 50 सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहला वर्ड जो है आज का, दैट इज जलसेट। अब देखो जलसेट का मीनिंग क्या होता है, मतलब कि एक ऐसी चीज़, मतलब इसको तुम पता कैसे याद रख सकते हो, मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगी कि तुम्हें रट्टा मारने या क्या, तुम कैसे इस चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा सकते हो, कैसे एक्चुअल में इंग्लिश सीख सकते हो, बिल्कुल वैसे बात करेंगे हम। अब ये बिल्कुल आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, बट स्टिल आप किसी भी एग्ज़ाम आगे, हम ऑब्वियसली CAPF की तैयारी करेंगे एंड CDS की भी प्रिपरेशन करेंगे, किसी भी एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, तो इंग्लिश तो सेम रहेगी ना, डिफरेंट तो नहीं हो जाएगी सब में, वर्ड्स तो सेम रहेंगे। तो बिल्कुल वैसे सीखो कि हमेशा के लिए आपको ये चीज़ें याद हो जाएँ। सिर्फ वो चीज़ें आप एक पेपर पर लिखते जाओ जो आपको बिल्कुल याद नहीं हो रही हैं, उनको आप लास्ट डे रिविजन के लिए रखो, ठीक है? सो डलसेट होता है, तुम इसको मिठाई से एसोशिएट करो, मतलब मीठी चीज़ों से एसोशिएट करो, मतलब जो बहुत स्वीट हो, बहुत मीठी हो, और एकदम स्मूथली स्विफ्टली जो चीज़, मतलब जैसे मुंह में घुल जाना होता है ना, जिसे बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज जलसेट। नेक्स्ट है इंडिसमेंट। इंडिसमेंट का मतलब ये होता है कि तुम किसी को ना बहुत ज़्यादा, ऐसे बड़ा सा किसी ने पाप कर दिया, क्राइम कर दिया ना, उसके लिए तुम उसको दोषी मान रहे हो, तुम उसको उस पर एक मतलब धप्पा लगा रहे हो कि हाँ भाई तूने ये क्राइम किया है, तू ही मतलब एक्यूज्ड है, तो उसको बोलते हैं इंडिसमेंट। इनवेरिएबल का मतलब ये होता है कि जो कॉन्स्टेंट होता है, कभी चेंज ही नहीं होता। वेरिएबल का मतलब होता है चेंजिंग होना, मतलब बार बार चेंज करते रहना, बट इनवेरिएबल मीन्स कि कभी चेंज नहीं करना। स्टबन मतलब बहुत ज़्यादा जिद्दी, जिद करते रहना। मतलब कोलोसल, कोलोसल का मतलब होता है बहुत बड़ा, मतलब कुछ बहुत ह्यूज, ह्यूमंगस देख लिया हो तुमने, बहुत जाइंट हो, तो दैट इज़ कोलोसल। ये हम पहले भी कर चुके हैं, किसी और एग्जाम में भी ये रिपीट हुआ था। उसके बाद है डेट्रीमेंटल। अब डेट्रीमेंटल भी हमने अगेन पहले किया था, बट वो चीज़ होती है जो बिल्कुल ही तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं, जैसे तुम कैसे समझ सकते हो, डेट्रीमेंटल तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, मतलब तुम हार्मफुल हो तुम्हारे लिए, तुम बहुत ज़्यादा चोट पहुँच सके, नुकसान हो सके जिस चीज़ से, दैट इज़ नोन एज डेट्रीमेंटल। उसके बाद है हेराल्ड। अब हेराल्ड होता है कि मतलब कुछ ऐसी चीज़, मतलब जो होने वाली है, मतलब समथिंग जैसे मतलब क्या बोलते हैं हम, जैसे बोलते हैं ना कि जब क्रोज दे कम एंड वो आवाज़ निकालते नहीं, तो इट मीन्स कि घर में कोई मेहमान आने वाले हैं। सो ये बिल्कुल एक संदेशा, मतलब कि समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन, सो एकदम चेतावनी दे देना, सूचना दे देना, दैट इज़ हेराल्ड। नेक्स्ट है इनसेसेंटली। इनसेसेंटली का मतलब ये होता है कि बिल्कुल कॉन्टिन्यूस चल जाना, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, तुम आराम से निरंतर कॉन्स्टेंटली अपना काम, कंटिन्यूसली अपना काम कर पाओगे। वेरेसिटी का मतलब होता है कि यार, मतलब वो चीज़ जिसको तुम बदल नहीं सकते, मतलब कि अब क्या है, सत्य सत्य सच्चाई है ना, उसको तुम बदल नहीं सकते हो, कि वो एक फैक्ट है, मतलब हाँ जैसे अर्थ है तो है, यू कांट चेंज कि अर्थ नहीं है ना, तो दैट इज़ वेरेसिटी। उसके बाद है अकाउंटरमेंट्स। अकाउंटरमेंट्स का मतलब होता है कि सामान जो तुम्हें किसी, फॉर एग्जांपल अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे एक लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है ना, माइक की रिक्वायरमेंट है, तो दैट आर माय इक्विपमेंट्स, दैट आर एसेंशियल, मतलब कि ये चीज़ें मुझे वीडियो बनाने के लिए लगेंगी, सो दैट इज़ माय अकाउंटेंट। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं ऑब्सीन। अब ऑब्सीन होता है मतलब कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा वल्गर कैटेगरी में हो, मतलब इट इज़ नॉट डिसेंट, इट इज़ नॉट मॉरल, एंड दैट इज़ ऑफेंसिव। उसके बाद नेक्स्ट आता है जेन्युइन। जेन्युइन मतलब हाँ, ऑथेंटिक, इस पर हम विश्वास करते हैं कि हाँ ये बंदा बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, ये बहुत ज़्यादा मतलब एडवाइस देगा, तो जेन्युइन एडवाइस देगा, मतलब जो हमारे काम आ सके, दैट इज़ ऑथेंटिक। एटर्नल मतलब जो कभी ख़त्म, इट इज़ फॉर एवर, मतलब जैसे बोलते हैं ना हनुमान जी एटर्नल है, मतलब वो तो दैट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, मतलब हमेशा एग्जिस्टिंग फॉर एवर, मतलब जो कभी मतलब एक्सटेंट ना हो कभी, इट इज़ नॉट गोइंग टू एंड, सो दैट इज़ इटर्नल। फ्लैबरगैस्टेड। फ्लैबरगैस्टेड का मतलब होता है तुम एकदम से किसी को है ना, मतलब एकदम हैरान कर दो, सरप्राइज दे दिया, वाओ, सो दैट इज़ फ्लैबरगैस्टेड, मतलब एकदम उसने सोचा भी नहीं हुआ, तुमने एकदम से सरप्राइज दे दिया, एकदम से चौंका दिया उसको, सो दैट इज़ फ्लैबरगैस्टेड। डबियस का मतलब होता है यार बहुत ना, मतलब कन्फ्यूज सा बंदा नहीं होता ना, यार डाउट है अभी, मैं तुम पे विश्वास नहीं कर सकती यार, मैं डाउटफुल हूँ, सो दैट इज़ डबियस, मैं अभी डबियस हूँ तुम्हारे लिए।
उसके बाद नेक्स्ट है एंटीपैथी. एंटीपैथी मतलब होता है यार तुम किसी को एंटी, एंटी मतलब गंदा है ना, बेकार है, डिसलाइक करना. सो दैट इज अगेन भाई मतलब तुम किसी को पसंद नहीं करते हो बस, मतलब उसको ना बहुत गंदी नजर से, मतलब कि तुम्हें चिढ़ होती है उस इंसान से, डिसलाइक करते हो तुम, तो दैट इज एंटीपैथी. रिसाइन, रिसाइन का मतलब कैंसिल कर देना, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेन इस दिन यहाँ पर जानी थी बट उसको रिसाइन कर दिया गया, उसको कैंसिल कर दिया गया, उसको रिपील कर दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया. मेटिकुलस मतलब बहुत ध्यान ध्यान से यार, मतलब अब तो मैं जितना भी पेपर करूँगी मैं बहुत ध्यान ध्यान से करूँगी, आई बी वेरी केयरफुल, आई बी वेरी मच मतलब सतर्क, बहुत ज़्यादा अटेंशन के साथ हर एक डिटेल को पढ़ूंगी, क्वेश्चन को और ध्यान से पढ़ूंगी, है ना. और ये ध्यान भी दूंगी कि मैं वीडियो तो देख लूँ बट सब्सक्राइब करना ना भूल जाऊँ, क्योंकि अगली वीडियोज़ आएंगी तो कैसे देखोगे तुम. तो मेटिकुलसली चैनल को सब्सक्राइब कर दो तुम लोग. क्रोनिम, क्रोनिम होता है मतलब जिसे तुम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, तुम कह सकते हो कि जैसे, हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ. फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें ना एक वर्ड देती हूँ, हाँ तुम्हें बताना है क्या बोल सकते तुम, तुम्हें डिस वर्ड के आगे वर्ड्स बनाने हैं, डिस वर्ड से तुम्हें और वर्ड्स बनाने, तुम क्या बना सकते हो, डिसलाइक है ना, डिसहार्टेंड, तो दैट इज़ एन एक्रोनिम. मतलब कि जो स्टार्टिंग का एक तुम्हें दिया होता है ना, मतलब जिसे तुम छोटे होते भी पढ़ते थे, कुछ वर्ड जो होते तुम्हें स्टार्टिंग में दिए होते उनसे तुम्हें पूरा से मतलब वर्ड कंप्लीट करना होता, कुछ लेटर से तुम्हें वर्ड बनाना होता है, जैसे डिसलाइक में डिस इज एन एक्रोनिम. तो तुम समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, है ना, कि अ वर्ड फॉर्म बाय द इनिशियल लेटर्स ऑफ वर्ड्स, सो दैट इज एक्रोनिम. इंडिग्नेशन का मतलब होता है कि तुम बहुत ज़्यादा खिंच गए हो, मतलब तुम सड़ चुके हो, तुम इतना गुस्सा आ रहे हो, तुम इतने ज़्यादा मतलब तुम्हें किसी ने इतना ज़्यादा भड़का दिया, तुम इतने ज़्यादा गुस्से में हो कि यू नो नाउ यू आर इन द स्टेट ऑफ इंडिग्नेशन. नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद है कॉन्ग्रीगेशन. कॉन्ग्रीगेशन मतलब ये होता है कि एक ऐसी गैदरिंग, मतलब कि तुम है ना, मतलब सारे घर वाले आपस में आके मिल रहे हैं, मतलब इट इज़ अ यूनियन काइंड ऑफ थिंग, मतलब वो किसी का भी हो सकता है, इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, जानवरों का भी हो सकता है, मेला टाइप, वो समझ सकते हो, ग्रुप ऑफ पीपल को कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं. इनकैपेसिटेट, इनकैपेसिटेट का मतलब होता है कि तुम बहुत ज़्यादा है ना क्या बोलते हैं, मतलब कि चीज़ें नॉर्मली चल रही हैं बट तुम उन्हें चलने नहीं देना चाहते, है ना, तुम्हें मतलब सब कुछ बीच में टांग अड़ानी है, जिसको बोलते हैं कि बहुत स्मूथली काम हो रहा है बट नहीं, तुम तो बीच में मतलब ऐसा कुछ करोगे कि ये चीज़ ख़राब हो जाएगी, नॉर्मल वे से वो फंक्शन ही नहीं करेगी, मतलब सो दैट इज़ इनकैपेसिटेट. उसके बाद एग्जॉटिक, मतलब एग्जॉटिक का ये होता है कि एक ऐसा मतलब कि कुछ बहुत ही खास टाइप की चीज़ है ना, फॉर एग्जांपल कभी चीज़ें हमारे घर में अगर फॉरेन से आती हैं, कोई मासी चाचा ये सब हमारे लिए कुछ ले आते हैं ना, चॉकलेट्स भी ले आते हैं अगर यूएसए से या कहीं कनाडा से लेकर आ रहे हैं ना, तो तुम एकदम उसको क्या बोलोगे, एग्जॉटिक चॉकलेट्स हैं, इंडिया में नहीं मिलेंगी, मतलब जो डिस्टिंक्ट हो, डिफरेंट चीज़ हो, उसको हम एग्जॉटिक बोलते हैं. फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा जेनरस हो, बहुत हेल्पफुल हो, जो दूसरों का वेलफेयर सोचता हो, दूसरों की हमेशा है ना हेल्प करने की सोचता हो, बहुत ज़्यादा डोनेशंस में हो, वो बहुत गुड कॉजेज में कंट्रीब्यूट करता हो, तो दैट इज़ फिलैंथ्रोपिस्ट. उसके बाद डिकैम्प, डिकैम्प का मतलब होता है कि यार छोड़ के चले जाना, बस डी कैम्प मतलब कैंप लगा हुआ था, चल रहा है, बट डी मतलब कि छोड़ देना उस प्लेस को, एकदम से अचानक से चुपके से उसको छोड़ देना और भाग जाना, फ्ली कर जाना. सेलियंट मतलब कि यार प्रोमिनेंट, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इट इज़ द, जैसे तुम्हें क्वेश्चंस पढ़े ना, डिस्क्राइब द सेलियंट फीचर्स ऑफ दिस माउंटेन, दिस रिवर, ये वो, मतलब कि सबसे जो मेन है, जब सबसे जो मुख्य है, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मोस्ट यू नो जो मतलब जिसके बिना काम नहीं चल सकता, वो फीचर्स बताओ, सो दैट इज़ सेलियंट. उसके बाद है एबाइसमल. एबाइसमल का मतलब होता है बहुत डीप, मतलब कि है ना एकदम बहुत ज़्यादा गहरा, जिसको हम बोलते हैं बॉटमलेस, जैसे सी इज एप्साइमल, मतलब बॉटमलेस है, ठीक है, सो दैट इज एप्साइमल. उसके बाद है कंजर्वेशन, मतलब कि यार ऑब्वियसली कंजर्व करना, मतलब प्रिजर्व करना, जैसे हम ये तो क्या ही कहने की जरूरत है ना, तुम पेड़ पौधों को, एनवायरमेंट को कंजर्वेशन की बातें करते हो, तो इट इज़ वेरी सिंपल. फ्लेयर का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जो मतलब सिर्फ तुम्हारे पास है, किसी और के पास नहीं है. फ्लेयर से तुम्हें फ्लेयर का पेन भी याद होगा, तो क्या समझ सकते हो कि वो पेन वैसा ही लिख सकता है, और उसके जैसा लिखने का टैलेंट किसी और के पास नहीं है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग इन इट, मतलब उसकी एक अपनी पहचान है उस चीज़ की, दैट इज़ इलिसिट. मतलब कि यार लीगली नहीं है वो चीज़ जो तुम कर रहे हो, मतलब लॉ तुम्हें मना कर रही हो, तुम करे जा रहे हो, है ना, रूल्स तुम्हें मना कर रहे हैं और तुम वही इलीगल, मतलब जो बिल्कुल ही चीज़ तुम नहीं कर सकते वो करे जा रहे हो, सो दैट इज़ दैट. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है कोर्स. कोर्स मतलब बहुत रफ, ये वर्ड काफ़ी फेमस भी होता है, तुम्हें याद रखना चाहिए, बहुत ही रफ इन नेचर, मतलब तुम जैसे देखते हो ना कई बार बहुत ज़्यादा तुम किसी रूम में जा रहे हो ना, वहाँ की टाइल्स बहुत ज़्यादा रफ सी होती है, तो उसको कहते हैं दीज टाइल्स आर कोर्स, दीज आर रफ, हार्श एंड टेक्सचर में.
इम्पोस्ट, इम्पोस्ट का मतलब वो टैक्स होता है कि तुम्हें है ना गवर्नमेंट को पे करना होता है, जो एक कंपलसरी पेमेंट होती है, मतलब जो तुम्हें गवर्नमेंट को देनी ही होती है, टैक्स जो तुम्हें देना ही होता है, सो दैट इज इम्पोस्ट। प्रोडिगल का मतलब होता है कि यार मतलब एकदम ना बहुत ज़्यादा खर्चीला, मतलब जैसे तुम्हें कोई सेंस नहीं है, मतलब तुम अपना बजट नहीं देख रहे, तुम बस खर्चे जा रहे हो फालतू में पैसे, फ्रीली एकदम रेकलेसली तुम उन पैसों को खर्च रहे हो, सो दैट इज प्रोडिगल। ठीक है, उसके बाद है रेसिपियंट्स, मतलब जो चीज़ रिसीव करने वाला बंदा हो, जैसे किसी को कोई प्राइज़ दे रहे हैं तो वो रेसिपियंट है, या कॉल हम किसी को कर रहे हैं तो वो कॉल रिसीव कर रहा है तो वो क्या हो गया, रेसिपियंट हो गया हमारे कॉल का। फॉरगो का मतलब होता है कि बस यार चलेगा, मतलब छोड़ दो बस ख़त्म। ठीक है, फॉरगो मतलब बस जाने देना, छोड़ दो, त्याग देना, बस ख़त्म, लीव। राउट का मतलब होता है कि तुम हार गए हो, मतलब बस तुम्हारा मतलब क्या बोलते, तुम्हें बहुत ज़्यादा बड़ी वाली हार हो ना, छोटी वाली भी नहीं, बहुत बड़ी हार हो गई, तुम्हें राउट हो गया, तुम्हारा बहुत गंदे तरीके से तुम हार गए हो, दैट इज़ राउट। फ्रंटियर का मतलब ये होता है ऑब्वियसली कि बाउंड्री, फ्रंटियर ऑब्वियसली बाउंड्री होता है कि मतलब जो तुम कह सकते हो एक स्टेट को दूसरी स्टेट से डिफरेंट करे, या फिर कंट्री के बीच में जो बॉर्डर होता है तो दैट इज़ फ्रंटियर, तो बॉर्डर है जो बाउंड्री है दैट इज़ फ्रंटियर। नेव का मतलब ये होता है कि बहुत ही एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत चंचलाक हो, मतलब बहुत ज़्यादा चलाक हो, मतलब एंड बहुत क्या बोलते हैं, बिल्कुल भी उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, एकदम झूठा इंसान हो, मक्कार टाइप का इंसान हो, दैट इज़ नाइफ। फेलेसिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी, मतलब तुम इतने ज़्यादा, जैसे हम बोलते हैं ना दिस अवार्ड इज़ बीइंग फेलिसिटेटेड टू, मतलब इतनी ज़्यादा हमें खुशी है ये अवार्ड तुम्हें देते हुए, इतनी दैट इज़ लाइक अ इटर्नल काइंड ऑफ, मतलब इतनी अच्छी टाइप की तुम्हें खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुश हो तुम, दैट इज़ फेलेसिटी। इरेप्रोचेबल, इरेप्रोचेबल मतलब कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम फॉल्टलेस हो, मतलब कि तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, मतलब तुम्हारी निंदा कभी हो ही नहीं सकती, तुम मतलब अब हम भगवान का क्या है, हम भगवान की कोई निंदा नहीं कर सकते, है ना, सो दे आर इरेप्रोचेबल, फॉल्टलेस है वो। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं फ्लिमजी, फ्लिमजी का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और एकदम से टूट जाए, मतलब स्टिक, किसी डंडी सी की बात कर लो, उसको एकदम तुम तोड़ सकते हो बहुत ज़्यादा इजीली, उसको तोड़ सकते हो, वो बहुत वीक है, दैट इज़ फ्लिमजी। कॉडल का मतलब होता है कि हाँ यार अब हमने बहुत ज़्यादा किसी की बहुत ज़्यादा देखभाल कर ली है और बहुत ज़्यादा अब वो सेटिस्फाई, मतलब उसको हमने बहुत ज़्यादा अपना लव केयर अटेंशन दिया है, सो वी हैव डन, मतलब जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं, मतलब जैसे कॉडल को तुम ऐसे भी समझ सकते हो, तुम्हारे दादा दादी होते हैं, तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, बहुत ज़्यादा तुम्हें केयर अटेंशन वो लव देते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स भी, सो दे बेसिकली मतलब बहुत ज़्यादा तुम्हें लाड प्यार में रखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा कर रखते हैं, दैट इज़ कॉडल। प्रोफिलेक्टिक का मतलब होता है कि यार किसी डिजीज से ना मतलब क्या बोलते हैं रोक लेना, मतलब जैसे क्या होता है कि जब तुम दवाई लेने चले गए, तुमने दवाई खा ली है ना, तो डिजीज़ बढ़ सकती थी बट तुमने उसको रोक लिया, दैट इज़ प्रोफिलेक्टिक, मतलब तुमने उस चीज़ को आगे तुम्हें हार्म करने से रोक लिया। उसके बाद नेक्स्ट है ऑस्टेसाइज, ऑस्टेसाइज का मतलब ये होता है कि तुम्हें किसी ग्रुप से निकाल दिया जाना, मतलब कि तुम किसी बहुत सारी मोहल्ले हिस्सेदारियों का मतलब ऐसे पार्ट थे पर तुम्हें वहां से निकाल दिया गया, तुम्हें एक्सक्लूड कर दिया वहां से कि अब तुम इसका हिस्सा नहीं हो, दैट इज ऑस्टेसाइज। उसके बाद है डिबैकल, डिबैकल का मतलब होता है तुम्हारा जो फॉर एग्जाम्पल बिजनेस है, ठीक है, तुम्हारे बिजनेस एम्पायर का फॉल हो जाना अब, या फिर क्या बोलते हैं तुम्हारे फेलियर वाला जो फेज होता है उसको हम डिबैकल बोलते हैं। ट्राइट, ट्राइट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी सी मतलब चीज़ जो मतलब बहुत डल हो, मतलब ये चीज़ का कोई ज़्यादा खास खास इसमें इस टाइम पर इसका यूज़ नहीं है ना, सो दैट इज़ ट्राइट। डेराइजन का मतलब ये होता है कि किसी का मजाक उड़ाना, अब तुम अपने भाई बहनों का फॉर एग्जाम्पल तुम उनके है ना मजाक उड़ाते रहते हो, छोटे भाई हो तुम्हारे, छोटे बहन हो, उनको तुम बहुत ज़्यादा चिढ़ाते रहते हो, तो दैट इज़ डेराइजन। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है कि अपनी ड्यूटी मैं तो फुलफिल कर रहा हूँ, मैं अपने देश के लिए जो भी कर रहा हूँ, या मैं अपने माँ बाप के लिए कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, सो मैं अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर रहा हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के उसको फुलफिल कर रहा हूँ। उसके बाद है कैंटेकरस, कैंटेकरस का मतलब यह देखो ये होता है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ना झगड़ालू सा हो, मतलब कि उसको बिहेवियर करना मतलब सही से बिहेव करना नहीं आता, वो कॉपरेट भी नहीं कर सकता किसी के साथ और झगड़ा करते रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा उसका टेम्पर इश्यूज होंगे, मतलब बैड टेम्पर्ड होगा, इल टेम्पर्ड होगा, दैट इज कैंटेकरस। लग्जूरियंट मतलब कि बहुत ज़्यादा रिच, अमीरों वाला जिसे बोलते हैं अमीरों वाली ज़िंदगी जीना, बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास पैसे होना, बहुत फंड्स होना और अपंडेंट होना, हर चीज़ मतलब खुली होना, मतलब है ना कि सब कुछ तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा होना, सो दैट इज़ जिसका कोई अंत ना हो, दैट इज़ लग्जूरियंट।
ठीक है। सो ये हमने और 50 कर लिए। अब चाहते हो मैं और बनाऊँ तो मुझे बता देना, मैं कंटिन्यू रखूंगी। अब इसके बाद एक और वीडियो आएगी, ठीक है, इसमें अगले 50 हम करेंगे। सो 200 वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे सिनोनिम्स के। वैसे 600 का टारगेट है, 600 to 700 का। अगर आप चाहते हो मैं कंटिन्यू रखूँ, अगर आप देखोगे, अगर आप सीरियस होगे, क्योंकि पार्ट टू बहुत कम बच्चों ने अभी देखा है, मैं ऊपर लिंक दे दूंगी, पार्ट टू देख लेना, तभी ये पार्ट थ्री देखने का भी फायदा होगा, ठीक है। पार्ट वन तो मैक्सिमम ने देख लिया, जिन्होंने नहीं देखा तो वो भी देख लें, ठीक है। सो या सब्सक्राइब कर देना, एंड आगे यार सब्सक्राइब इसलिए भी कर लो क्योंकि CAPF और CDS की वीडियोज में हम थोड़ी देर में आने वाले, तो उतना पढ़ाएंगे जितना आपको नेसेसरी है, बट सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है, मतलब हमारा कंटेंट जो वेल रिसर्च है वो अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि वीडियोज आए तो आप सबसे पहले देख लो उन्हें, राइट। सो या दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय।